लोकसभा चुनावों के मद्देनजर सपा और कांग्रेस गठबंधन करके चुनाव मैदान में उतरेगी। इस बात पर सहमति बनने के बाद अब इस बात पर भी आने वाले दिनों में मुहर लग सकती है कि दोनों दलों के प्रतिनिधि एक दूसरे के कंट्रोल रूम में बैठकर चुनाव कामों को अमल में लाएं। दोनों ही पार्टियां सहमत भी हैं, लेकिन अभी अंतिम तौर पर इस पर बातचीत बाकी है। गठबंधन का असर व्यापक तौर पर दोनों दलों को मिल सके, इस पर गठबंधन होने के बाद पहले दिन से ही सवाल खड़े हो रहे हैं। दोनों पार्टियों ने इस समस्या के समाधान के लिए अपने अपने स्तर पर प्रयास भी शुरू कर दिया है। सूत्रों की माने तो चुनावी माहौल के दोनों पार्टियों में तालमेल बनाए रखने की चुनौती के लिए जरूरी है, क्योंकि कंट्रोल रूम चुनावी प्रक्रिया के संचालन के लिए पार्टी के पास एक माध्यम होता है, लिहाजा इसकी साझेदारी का प्लान तैयार किया जा रहा है। तो आपके जौनपुर में नहीं बांटे उन्होंने, वो तो अभी कह रहे थे कि हमने 2 करोड़ स्मार्टफोन भी बांटे हैं। ये जो हाथों में कुछ लोगों के हमें दिखाई दे रहे हैं स्मार्टफोन, कहीं ये बाबा जी वाले तो नहीं है? और वो क्यों देंगे आपको, जब वो चलाना खुद नहीं जानते तो क्यों आपको देंगे? और न केवल लैपटॉप चलाना नहीं जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक तस्वीर लगाई थी अपनी, जिसमें वो खुद पूरब देख रहे हैं। तो आपके जौनपुर में नहीं बांटे उन्होंने, वो तो अभी कह रहे थे कि हमने 2 करोड़ स्मार्टफोन भी बांटे हैं। ये जो हाथों में कुछ लोगों के हमें दिखाई दे रहे हैं स्मार्टफोन, कहीं ये बाबा जी वाले तो नहीं है? और वो क्यों देंगे आपको, जब वो चलाना खुद नहीं जानते तो क्यों आपको देंगे? और न केवल लैपटॉप चलाना नहीं जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले